चले हम फिदा, जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। थमती गई नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागबन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जवानी जो खून में नहाती नहीं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जश्न के बाद है जिंदगी, मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने मुंह से जमीन पर लगी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई।
राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। में रहने को सदा तो कोई आता नहीं, दहर में रहने को सदा तो कोई आता नहीं, जैसे गए हो तुम ऐसे भी कोई जाता नहीं। आज जिला कांग्रेस के आह्वान पर यूथ कांग्रेस सेवा दल NSUI की तरफ से, आज ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से, आज हम सब यहाँ आज जहानिए स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 27th डेथ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि और अपने सच्चे सुच्चे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पधारे हैं। इसके लिए आप सबका यहाँ आने पर धन्यवाद। हर कार्य की कोई विधि कोई तरीका होता है, और हमारी ये श्रद्धांजलि का ये एक इब्तदा से ये एक सिलसिला चलता रहा है कि हम सब पहले 2 मिनट का मौन रखते हैं, फिर ज्योति प्रज्वलित करते हैं, उसके बाद पुष्पमाला जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे, उसके बाद हम सभी रामधुन का मनन करेंगे, और उसके बाद हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपने अपनी सोच से इस विभूति को अपने सच्चे सुच्चे श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो आप सबसे इल्तिजा है कि सबसे पहले 2 मिनट के लिए हम मौन के लिए खड़े हों। जब तक थी सांस लड़े वो,
आकाश बिछा दी संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली जब हम बैठे सबसे पहले इल्तिजा करूंगा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री भूषण जी से कि वो आए और अपने सफल भूषण जी से वो अपने विचार दें। और डीसीसी अध्यक्ष श्री सुरेंद्र भारद्वाज जी, पीसीसी सचिव श्री नीरज नैयर जी, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष श्री करतार ठाकुर जी, पूर्व में रहे डीसीसी अध्यक्ष श्री पंडित लक्ष्मीधर जी, लियाकत भाई हांडा जी, गोपाल भाई, सुदर्शन जी, मीनू भाई, गनी जी, परमेशपुरी जी और सभी कांग्रेसजन, आज हम इस दिन इकट्ठे हुए हैं
हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर। आज उनकी 27वीं पुण्यतिथि है और मैं युवा कांग्रेस की तरफ से और सभी युवाओं की तरफ से हमारे पूर्व में रहे हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को दिल की गहराइयों से नमन करता हूं और उनके श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं ये मानता हूं कि आज जो आईटी का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, ये मोबाइल, ये टीवी और ये कंप्यूटर सारी राजीव गांधी जी की देन है, कांग्रेस पार्टी की देन है। और इनका ये योगदान जो भारतवर्ष में जो इन्होंने जब प्रधानमंत्री थे जो ये आईटी का ये क्रांति लाए थे वो राजीव गांधी जी लाए थे और पूरी दुनिया में इनका नाम लिया जाता है और भारत का ये सुनहरा गोल्डन पीरियड कह सकते हैं जब आईटी जब हिंदुस्तान में आया था तो इनकी देन थी। तो इनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, शब्दों विराम करो, धन्यवाद। पीछे हमारे सीनियर कांग्रेस नेता श्री सुरेंद्र भारद्वाज जी जो कि हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं डीसीसी के, चूँकि हमें मना किया गया है कि आज श्रद्धांजलि समारोह है इसमें सभी का, तो मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस जन, युवा कांग्रेस एन एस यू आई, आज जैसा कि सभी जानते हैं कि आज 27वीं हमारी पुण्यतिथि है इस भारत माता के वीर सपूत की, जिन्होंने 1984 से लेकर 1999 तक बतौर प्रधानमंत्री देश की सेवा की और 1991 में 21 मई आज ही के दिन 1991 में एक आत्मघाती बम हमला में जो है इन्होंने अपने देश की सेवा करते करते हुए प्राण दिए। हम इस महान सपूत को दिल की गहराइयों से नतमस्तक होकर पुष्प अर्पित करते हैं और इनके इस डेथ एनिवर्सरी के मौके पर हमारा एक एक खून का कतरा इनके लिए समर्पित है। और जैसा कि आज युवा कांग्रेस की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज किया गया है, हम युवा कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जितने पदाधिकारी हैं उनका हम धन्यवाद करते हैं। जिस तरह से युवा कांग्रेस के हमारे नवनियुक्त प्रेसिडेंट भाई कपिल जी ने कहा कि चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो दूरसंचार क्रांति हो, चाहे सबसे बड़ा अहम रोल जो युवाओं को मत अधिकार देने का जो दिया इन्होंने, उस टाइम 22 साल की उम्र में युवाओं को मत देने का अधिकार दिया गया था, लेकिन राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी की पहल के मुताबिक 18 साल के युवाओं का को मत अधिकार देकर अपना नेता चुनने का जो अधिकार दिया गया ये राजीव गांधी ही जी की देन है। महिलाओं को 33% आरक्षण और राजनीति में भागीदारी देना ये भी राजीव गांधी जी का ही एक निर्णय है, जिसको आज हर क्षेत्र में हर पार्टी जो है वो महिलाओं को बढ़ चढ़ कर जो है अपना प्रतिनिधित्व दे रही है, उनके लिए आरक्षण निर्धारित किया गया है। तो ज़्यादा ना बोलते हुए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए और अपने कांग्रेस जनों का जिस तरह से हमारा मोराल थोड़ा सा लेवल जो गिर गया था, लेकिन कर्नाटका के हालात जिस तरह से हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में माननीय गुलाम नबी आज़ाद और अशोक गहलोत जी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप जिस तरह से केंद्र की भाजपा सरकार संविधान की हत्या कर रही थी, लोकतंत्र की हत्या कर रही थी, एक उन्हें करारा जवाब सुप्रीम कोर्ट द्वारा, हम आभारी हैं सुप्रीम कोर्ट के कि उन्होंने कर्नाटका के अंदर जो है एक जुडिशरी की ताकत को दिखलाया। हम कोटि कोटि कांग्रेस जन, समस्त कांग्रेस जन सुप्रीम कोर्ट का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और एक बार पुनः आपको मुबारकबाद देते हैं। ये कहा जा रहा कि जिस तरह से एमएलए के इलेक्शन हुए उसके बाद नीरज नियर जी के प्रति लोगों का ये रवैया शुरू हो जाएगा कि दिखते नहीं हैं, ये हैं, प्रोग्राम नहीं करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा हमने भी लगभग हमारे कार्यकाल में भी 5 से 7 इलेक्शन विधानसभा की हुई, और जिस तरह से कोई सरकार सत्ता में आती है तो विपक्ष का एकदम से उसके अंगेंस्ट एकत्रित होना एक बड़ी टफ बात होती है, लेकिन देखने वाली बात। और आपको भी हम बड़ा धन्यवादी हैं कि एकदम से अभी 4 महीने नहीं हुए लेकिन विपक्ष के लोग जिस तरह से 3-4 लोग ही होते थे पहले, लेकिन जिस तरह से आपने चाहे वो दिल्ली की आक्रोश रैली की बात हो, चाहे वो धर्मशाला हमारी रंजीता रंजन जी की जो प्रभारी हैं हमारी उनकी मीटिंग की बात हो,
चाहे वह महंगाई की बात हो, हमने आपने बढ़ चढ़ कर जो इसमें हिस्सा लिया और आपसे उम्मीद करते हैं हम कि आने वाले जो हमारे प्रोग्राम हैं, चाहे वो कर्नाटका का सप्त ग्रहण समारोह है बुधवार को, उसमें भी भाई ने बतलाया हमें कि चौक पे हलवा बांटने जा रहे हैं, चाहे वो 26 तारीख की महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप तय दिल से भारी संख्या में पधारकर केंद्र सरकार की जो कुरीतियां हैं, जो एक लोकतंत्र के खिलाफ नीतियां हैं, जनमानस के खिलाफ जो नीतियां हैं, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने में आप अपना सहयोग देंगे। धन्यवाद। जाए के योगे सीनियर कांग्रेस और भाई ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते सभी कार्यकर्ता और सीनियर कांग्रेस का स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको मालूम ही है कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की स्थायी सिद्धि दिवस है। इस मौके पर मैं अपने ब्लॉक की तरफ से और अपनी तरफ से तहे दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ। शहीदों की चिताओं में लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों के यही नामों निशान होंगे। उपस्थित महानुभाव, जैसा कि आपको मालूम ही है कि आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी का 27वां पुण्यतिथि जो है सारे भारतवर्ष के अंदर बड़ी एक श्रद्धांजलि के रूप में मनाई जा रही है, और उसी के उपलक्ष्य में चंबा में भी इस बैठक का आयोजन किया। राजीव जी की कितनी उपलब्धियां रहीं वो कौन नहीं जानता। अगर मैं इस पर विस्तार पे वर्णन कर लूँ तो बड़ा समय गुजर जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि गांधी परिवार एक ऐसा परिवार रहा जो कि कुर्बानियों का करतार रहा है। ये वो परिवार है जिस परिवार ने इस देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए हंसते हंसते अपने के परवानों की प्राणों की जान कुर्बान कर दी। कौन नहीं जानता इंदिरा जी इस देश के लिए क्यों शहीद हुई, देश की एक और अखंडता के लिए। राजीव जी क्यों इस देश क्यों शहीद हुए इस देश की एक और अखंडता के लिए। मैं अपनी ओर से जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और इसके साथ ही साथ श्रद्धांजलि असली में हम सभी कांग्रेसियों को एक होगी कि इनके बताए हुए पदचिन्हों पे हम चलें और हम सब एकजुट होकर के जो फासिस्ट ताकतें हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, जो हिंदुस्तान को मुल्क को कमज़ोर करने जा रही हैं, उसके लिए हम एकजुट होकर के लड़ें। ये सही मायने में इनकी श्रद्धांजलि होगी। और इसके साथ ही गनी भाई को भी मैं मुबारक देना चाहूँगा कि भाई साहब जिस वक्त हम रूलिंग पार्टी के अंदर थे, ये हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं ये ऑर्गेनाइज करते हैं, हमें तो डेट का भी पता नहीं होता, तो 3 दिन पहले ही हफ्ता पहले ये सबको टेलीफोन घुमाने शुरू कर देते हैं। पर जिस वक्त हम सरकार में बैठे थे तो 6 से 7वां आदमी बढ़ता था, तो हम बोलते हैं कि इंक्रीज हुई है। और आज इस छोटे से समय के अंदर हम तो अपोजिशन में हैं इस वक्त, और इतनी भारी तादाद के अंदर हर वर्कर दूर दराज से आया, मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस की एक मजबूती का एक वो है। बाकी इसके साथ ही साथ जैसे कि कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, पहले हम कुछ 5 साल लोग जो थे मौत पर वो ही आदेश करते थे कि कैसे करना है, कैसे प्लानिंग करनी है, तो हमें तो पता ही नहीं। वो कुछ ऐसे वर्कर हैं जिनमें इतना जोश है कि उन्होंने 1.5 क्विंटल कड़ा का हलवे का इंतजाम कर दिया, परसों DJ का इंतजाम कर दिया, पूरे जश्न का इंतजाम कर दिया। वो इसलिए कि हमारा जो वर्कर है वो उसे मॉरल सपोर्ट मिले, और जितने भी हमारे देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के लोग हैं, सब एकजुट हुए हैं। इसमें अब कोई दो राय नहीं कि ये भारतीय जनता पार्टी जो फासिस्ट पार्टी है इसका डंका बजने वाला है। ये इस चीज़ का प्रमाण है, साक्षात ये प्रमाण है, ये इम्तिहान है इस बात का, ये रिजल्ट है इस बात का। मैं ज़्यादा ना कहता हुआ फिर एक बार अपनी ओर से जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। बड़े दूर दराज से आप लोग आए और अपने श्रद्धा सुमन जो हैं ये अपने स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी के प्रति अर्पित करता हूँ। जय। अब मैं इंतजार करूँगा हमारे बीच बैठे पंडित लक्ष्मीधर जी ये आए और अपने दो शब्दों में श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मेरे पूर्व वक्ताओं ने
ये कहा कि आज का दिन श्रद्धांजलि का दिवस, शहीदी दिवस जो मनाया जा रहा है चंबा के अंदर, वैसे तो सारे हिंदुस्तान में पार्टी के जो मंच हैं, पार्टी के जो फॉर्म हैं वो मना रहे हैं। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी, जिनके अल्फाज सभी समुदाय, सभी वर्गों, सभी जातियों, विभिन्न भाषाओं में बोलने वाले लोग, जिनको समृद्धि, तरक्की और विकास की आज़ादी है, उस आज़ादी के अंदर वो एक जुट होके इस देश की एकता और अखंडता के लिए काम करते हैं, वही हमारे बीच में जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे लोग हैं, वो संगठित रहते हैं। ये अल्फाज राजीव गांधी के रहे हैं। राजीव गांधी ने डिजिटल इंडिया, ये मतलब जो है इनकी देन है, जैसे ये बातें करते हैं कि हमारा योगदान है, पर ये इनकी सोच रही है। जैसे कि मेरे वक्ताओं ने पहले भी कहा है कि इनकी देन भारतवर्ष के युवाओं को मताधिकार, भारतवर्ष की नारियों के लिए रिजर्वेशन, नरेगा। मुझे मौका मिला था नगर पालिका चंबा की तरफ से बेंगलौर, राजीव गांधी जी वहाँ पे आए हुए थे, वो नगर पालिका और ये पंचायत की निकायों के लिए संबोधित करना था उन्होंने। तो उन्होंने एक बात कही थी कि जो हमारा पैसा है वो कहाँ से लीकेज चलती है, यहाँ पे नहीं मिल पाता है ये पैसा, पंचायतों में जाता है तो मेरे ख्याल एक रुपये में 10 पैसे रह जाते हैं। तो ये सोच, और उनके बाद पावरें पंचायतों को दी गई, नगर पालिकाओं को दी गई, ये इनकी सोच रही है और इनका कंट्रीब्यूशन है, इनकी देन है। आज जैसा कि भारतवर्ष के अंदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये घटनाक्रम ताज़ा घटा है कर्नाटक का, सभी शर्मसार हैं, सभी जो हैं वो एक मतलब इसका घोर निंदा, इस जघन्य जो अपराध इन्होंने किया है उसकी घोर निंदा करते हैं। और जैसा कि राजीव गांधी जी का जो अपना कार्यक्रम या अपनी सादगी या अपना जो इन्होंने योगदान दिया वो कोई नहीं भुला सकता है। राजीव जी की जो हत्या हुई वो भी देश के लिए बड़ी घातक जैसी थी उस समय, और इंदिरा गांधी जी का भी वही हशर हुआ, और मैं तो ये कहता हूँ कि संजय गांधी जी भी इसी साजिश के शिकार थे, क्योंकि ताज़ा गुवाहाटी की जो वो गुवाहाटी में हम भी गए थे, तो गुवाहाटी की जो कॉन्फ्रेंस उन्होंने की वहाँ पे, तो वो एक हजूम था जो यंग ब्लड था उनको काम करने का, और मैक्सिमम मतलब वहाँ पे आदमी देख के हैरान हो जाता था कि इतना यूथ और इतना कहाँ से आ गया ये। तो ये इस परिवार का एक मतलब पिछला दौर जो है उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और ये जो लोग बोलते हैं कि हम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, इनको ये पूछिए कि इन्होंने क्या मतलब, इनका भी कोई मरा है जो ये योगदान जो मतलब इनका रहा है इस फैमिली का, इनको नहीं बुलाया जा सकता है। आज 4 साल हो गया, 4 साल से एक ही रोना रो रहे हैं, एक सुमित पात्रे है जो वहाँ पे बैठे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जी, और ये गांधी परिवार, बस यही रोना रो रहे हैं। इनसे ये पूछा जाए कि आपका है कोई ऐसा जिसने सेक्रीफाइस। एक बार फिर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से, जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से, आप सभी से, समस्त जन आप यहाँ पे इकट्ठे हैं, उनकी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सभी सीनियर कांग्रेस नेता और सभी कार्यकर्ता, आज हम यहाँ पे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जो कि हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री हैं, उनकी 27वीं पुण्यतिथि, अपनी ओर से और आप सभी की तरफ से उनको तहे दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और अपने सीनियर लीडर से माफ़ी चाहता हूँ कि प्रोटोकॉल तोड़ करके मुझे यहाँ आप बोल बैठे और आपके बाद मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। साथी, अभी हांडा जी ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी में विपक्ष में होते हुए जो है हमें कुछ जोश नज़र आ रहा है, ज़्यादा संख्या नज़र आ रही है, ये खुशी की बात है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर इस देश को बचाना है, इस देश की संविधान को बचाना है,
इसके माइनॉरिटीज़ दलित महिलाओं बच्चियों को अगर आपने रक्षा करनी है तो ये हमें करना ही पड़ेगा। जब तक कांग्रेस का वर्कर, कांग्रेस का युवा, कांग्रेस का बुजुर्ग, कांग्रेस की महिलाएं, लोग घरों से नहीं निकलेंगे, आगे आकर के लड़ेंगे नहीं, तब तक देश के हालात बदलने वाले नहीं। और इसका उदाहरण हमने अभी देखा है, जो कर्नाटक की जो घटना हुई है उसमें हम एक तो बधाई देते हैं सभी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं को और आप सबको, और धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का जिन्होंने इस देश के जनता की जो कानून में आस्था थी उसको बनाए रखा और एक निष्पक्ष फैसला जो है वो देश की जनता के हित में, कर्नाटक की जनता के हित में लेने की हिम्मत जुटाई और ये दुनिया में मैसेज गया कि हिंदुस्तान की जो न्याय व्यवस्था है वो किसी पार्टी, किसी पक्ष, किसी धर्म, किसी जाति विशेष के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो पूरे देश को साथ लेकर के चलने वाली, सबको न्याय देने वाली व्यवस्था है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जहाँ तक स्वर्गीय राजीव गांधी जी की बात है और इंदिरा गांधी जी की बात आपने की, मैं तो ये कहूँगा कि अगर हम इनसे पूछें, ये कहते हैं कि इन्होंने क्या किया, हम कहते हैं कि आज तक जो है हिंदुस्तान में, आज जो भी है एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, आईटी में, जो भी आज हिंदुस्तान जहाँ जिस पोजीशन में है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की देन है। इन्होंने तो कोई कंट्रीब्यूशन किया ही नहीं, ना आज़ादी में किया ना आज़ादी के बाद किया। ये जो मोदी जी बार बार बोलते रहते हैं स्टार्टअप इंडिया, गेट अप इंडिया, वेक अप इंडिया, पता नहीं क्या क्या इंडिया, वो सिर्फ जुमले हैं। आज जो जिस स्टेज पे हमारा देश है वो निस्संदेह गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी की सरकारों की बदौलत है और आगे भी देश जो अगर संभलेगा, देश अगर किसी सही रास्ते पे जाएगा तो उसको रास्ता दिखाने वाली, उसको आगे ले जाने वाली अगर कोई पार्टी है भारतवर्ष में तो कांग्रेस पार्टी। लेकिन हमें इकट्ठा होना पड़ेगा और जो स्वर्गीय राजीव गांधी की सोच थी कि पूरे भारत को इकट्ठा करना है, 21वीं सदी का भारत बनाना है, हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति, हर क्षेत्र के लोगों का विकास करना है, इस भारतवर्ष को सचमुच में डिजिटल इंडिया बनाना है, वो सोच तभी कामयाब हो सकती है जब हम एकजुट होकर लड़ेंगे और इन फांसी वाली जो ताकतें हैं इनको आगे बढ़ने से रोकेंगे और अपनी एक व्यवस्था जो सभी के लिए सर्व धर्म, सर्व सम्मान, सब विकास की बात करती है उसको कामयाब करने में हम कामयाब होंगे, तभी ये देश जो आगे बढ़ सकेगा। इसके साथ ही मैं एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ और इनको श्रद्धासुमन नमन करता हूँ। धन्यवाद। हॉल में सभी उपस्थित कांग्रेसजन का मैं धन्यवाद करता हूँ जो स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि मनाने यहाँ पहुँचे हैं। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जो कि 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने, वन ऑफ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 40 साल के यंग प्रधानमंत्री जब वो बने तो उनकी सोच उसी हिसाब की थी जिन्होंने देश को डिजिटल इंडिया या कई चीज़ बहुत आगे लेके गए। वो हमारा दुर्भाग्य था कि तमिलनाडु की एक रैली में जब उनको असैसिनेटेड डेथ हो गई थी तो वो पुण्यतिथि हम मनाने आए हैं। तो मैं उस ईश्वर से, आप सभी कांग्रेसजनों से, उस ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और यह हमारे सब इकट्ठे होने का एक ही मोटो है कि कांग्रेस पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना है, तब तो ऐसा कुछ सेलिब्रेट करने का कोई फन, अदरवाइज तो कोई हो नहीं। यहाँ से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि ऐसे कोई भी जो कांग्रेस जन के कोई भी फंक्शन होंगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस जन आए। इसी के साथ मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और श्रद्धांजलि हम सभी लोग दिल की गहराइयों से अर्पित करते हैं स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रद्धा की जो ये एक हम अदा कर रहे हैं यहाँ एक रस्म, ये अपने इख्तिताम तक पहुँचे और हमारे बीच बैठे नीरज नैयर जी और भारद्वाज जी अपने वक्तव्य को पहुँचें, इससे पहले थोड़ी जहमत मैं अपने आप को भी देना चाहूँगा कि भांति याद है वो दिन 21 मई का, हम इलेक्शन कैंपेन में गए हुए थे और रात को 10:30 बजे मैं चंबा जैसे ही पहुंचा, किंग रेडियो से एक न्यूज़ सुनी कि राजीव जी नहीं रहे। मैं एकदम लड़खड़ा गया और मैंने अपने लैंडलाइन मोबाइल फ़ोन से डीपी रे, जो दिल्ली में हमारे ट्रेनर ट्रेनिंग प्रोग्राम के इंचार्ज थे, बंगाल से एमपी थे, मैंने उनको रिंग किया। चुनाचे वहाँ भी उन्होंने मुझे ये बताया
कि यहाँ भी हसल वसल बहुत हो रही है, र्यूमर्स बहुत हैं, लेकिन अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ। थोड़ी ही देर में वो दोबारा जब मैंने रिंग किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो काली घटा जो है ये हमारे देश पर छा चुकी है, राजीव जी हमें छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है कांग्रेस की निष्ठा का, इस देश के संविधान का और इस देश की एकता, अखंडता और सालमियत और भाईचारे का, वो सिर्फ और सिर्फ 132 वर्ष पहले जो ये निरंतर धारा बह रहा है कांग्रेस का, ये उसी की देन है, ये उसी का एकमात्र उद्देश्य है कि ये देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक सूत्र में पिरोकर राष्ट्र की मुख्य धारा में बहे, जिसमें हर धर्म के, हर इलाका के, हर भाषा के, हर रंग के, हर वर्ग भेद के सभी लोग उस धारा में निरंतर बहें और अपनी जिंदगी बसर करें। चुनाचे राजीव जी ने जब ये इलाकाई झगड़े, भाषाई नंगे नाच और रंग भेद, धर्म आधारित जो झगड़े देखे तो इनको बहुत दुख हुआ और इन्होंने पूरे देश का भ्रमण करके ये पाया कि इस देश में एक सामूहिक शिक्षा का, क्योंकि बालावस्था ही एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो लोग इकट्ठे रहते हैं उनका प्यार कभी नहीं बिखरता, कभी नहीं बढ़ता। तो राजीव जी की ये सबसे बड़ी सोच थी नवोदय, इन्होंने एक ऐसी शिक्षा का, एक ऐसी सोच का जो था शुरू किया, एक उसका शुरुआत की कि नवोदय जो था वो शुरू किया, जिसमें हर प्रदेश का बच्चा दूसरे प्रदेश में पढ़ेगा, हर धर्म का बच्चा दूसरे धर्म के बच्चों के साथ जुड़कर रहेगा और हम में आने वाली पीढ़ियां जो हैं, आने वाले 20, 25, 30 सालों तक जब वो जवान होंगे तो हमारे ये झगड़े जो हैं वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे कि मैं पंजाबी हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, मैं हिमाचली हूँ। ये राजीव जी की सोच थी और राजीव जी ने गरीब से, गरीब इंसान से मिलकर ये पाया कि जो दिल्ली से हम भारतवर्ष के उन लोगों को जो मदद भेजते हैं, जो उसके हकदार हैं, वो दिल्ली से चलकर वहाँ तक सिर्फ 10 पैसे में पहुँचते हैं। चुनाचे उन्होंने पंचायती राज का संकल्प लिया जो महात्मा गांधी जी ने एक बार ये सोच दिखाई थी, जताई थी, लेकिन उसको साकार, उसको पायदार तक जो पहुँचाने का अमल जो था वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया। और राजीव गांधी जी ने ही हमें 21वीं सदी तक जो पहुंचाया, वो 20वीं सदी की सोच को बदलते हुए 21वीं सदी की दहलीज तक हमें लेकर वो आए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, हमारी ये बदकिस्मती कि वो उन शैतानी शक्तियों से, वो जो देश की सीमाओं पर दंड दना रहे थे और देश के भीतर व बाहर अव्यवस्था फैलाकर इस देश को फिर से टुकड़े टुकड़े करने की ओर में थे, उन्हीं हाथों ने हमसे ये विभूति, हमसे ये जो शख्सियत थी वो छीन ली। विचारधारा जो है वो ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कांग्रेस आज़ादी से पहले भी हमारी रहबरी करती थी और आज़ादी दिलवाने तक भी की और आज दिन तक भी, चाहे वो रूलिंग में रही या रूलिंग के बाहर रही, और इन्होंने कांग्रेस की सोच ने ही हम आप सबको इकट्ठा करके रखा हुआ है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी यहाँ एक मंच पर बैठ सकते हैं, एक छत के नीचे खा सकते हैं और हर इलाका का आदमी दूसरे इलाके से प्यार मोहब्बत रख सकता है। ये इनकी देन हम कभी नहीं दे सकेंगे, ये कांग्रेस पार्टी की ही सोच है कि आज भी हम इतने मुशक्कतों में भी आकर देश की बागडोर संभाले हुए हैं, चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो। तो साथियों, आज पावन घड़ी में, इस पावन मौका पर एक बात छोड़े या एक बात नहीं अपनाए, एक एक बात करके हम अपनाते जाएंगे और अपनी इस कांग्रेस की जो परिवार की जो एक नींव जो है वो और हम मजबूत करते जाएंगे। तो मैं यही इल्तिजा करना चाहूँगा आपसे कि हम एक दूसरे का आदर करना सीखें,
एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखें, ये नहीं कि आज हम यहाँ बैठे हैं इन मौक़ों पर, इन पवित्र मौक़ों पर, और यहाँ से जाकर हम एक दूसरे को बात टॉन्ट करें, अब्यूजिंग करें, कोई मोर नहीं लगेगा। हम दिल से ये एक बात कहेंगे कि हम अपने दूसरे कांग्रेस जन का एहतराम करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, और उसको जैसे करतार जी हैं तो करतार साहब कहेंगे, जैसे हमारे इंदर जी। आदरणीय सुरेंद्र बाजवा जी, जो कि हमारे पूर्व में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और अभी भी प्रत्याशी रहे हैं हमारे चुराह के क्षेत्र से, और दो मरतबा MLA रहे हैं, साथ ही सबका नाम लूँगा तो शायद समय लगेगा, सारे हमारे कांग्रेस के बड़े बड़े सीनियर लीडर्स, गनी जी, पुरी साहब, अपने हांडा जी, लक्ष्मीधर जी, अपने अश्नी हांडा जी, और करतार ठाकुर जी, मीनू जी, रमेश पुरी जी, और हरदीप जी, लियाकत जी, ओमी जी, हसन जी, परवेज जी, चमन जी, अपने कमल जी, और हमारे रवीन जी, राजेंद्र, हमारे अपने, मैं नाम ले रहा हूँ, सॉरी किसी का नाम भूल गया, बड़े नाम हैं। तो आप सब लोग जो यहाँ आए आज, ये इस चीज़ का प्रतीक है कि कांग्रेस जीवित है और पूरे तरीके से जीवित है। जहाँ तक राजीव गांधी जी की बात है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की बात है, वो किसी तारुफ के, उनको, उनकी कोई पहचान उनके नाम से नहीं है, वो एक ऐसी बड़ी शख्सियत थी, अगर शायद आज वो जीवित होते तो हिंदुस्तान कहीं से कहीं पहुंचा होता। गांधी परिवार का जो योगदान है वो हम कभी भी भुला नहीं सकते, चाहे वो स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी थे, या स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, या स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है हिंदुस्तान को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। किसी के बारे में अगर आपने कटाक्ष करना है, कटाक्ष करना, तो कोई भी किसी के बारे में कटाक्ष कर सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि राजीव गांधी जी 40 साल की उम्र में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, वो राजनीति में आना नहीं चाहते थे। दुर्भाग्यपूर्ण इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई और उन्हें राजनीति में आना पड़ा, ये हालात बने थे, वो खुद राजनीति में नहीं आना चाहते थे, क्योंकि संजय गांधी जी जो थे वो राजनीति के अंदर सक्रिय थे, राजीव गांधी जी तो पायलट थे और उन्होंने एक अपना मन बना रखा था कि मैं राजनीति से दूर रहूँगा, लेकिन चलो ऐसा हुआ, इंदिरा गांधी जी नहीं रही और संजय गांधी जी भी नहीं रहे, तो कांग्रेस की बागडोर संभालने के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी जी को राजनीति में आना पड़ा, हालांकि उनकी, उनका मन नहीं था, और वो बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। मुझे याद है 1983 या 84 में मुझे राजीव गांधी जी से मिलने का मौका मिला, और मैं अपने माता और पिता के साथ दिल्ली गया उनसे मिलने के लिए, और उस दिन उनका जन्मदिन था, और सिक्योरिटी वालों ने मुझे बाहर रोक लिया और मेरे माता पिता अंदर चले गए मिलने के लिए। 2 मिनट के बाद राजीव गांधी जी बाहर आ गए और उन्होंने बोला, मेरा हाथ पकड़ के मुझे अंदर ऑफिस के अंदर आगे ले गए, फिर ऑफिस के अंदर बैठने लगे, तो हम बैठे ना, क्योंकि वो तो भारत के प्रधानमंत्री थे, तो इतनी देर में राजीव गांधी जी ने बोला मेरे फादर पिताजी को कि आप बैठो, तो मेरे पिताजी ने बोला मैं कैसे बैठूंगा जब तक आप नहीं बैठते, तो उन्होंने मेरी मदर को भी बोला कि आप बैठो, तो उन्होंने, मतलब उन्होंने बोला लेडीज़ फर्स्ट, महिलाओं को जो है, मतलब इतने एटिकेट से, बड़े अच्छी जगह से पढ़े हुए थे और अच्छे परिवार से संबंध रखते थे, राजनीति में तो वो गलती से आए असल में, और जो उनका 5 साल का जो टेन्योर रहा वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक टेन्योर रहा। टेलीकॉम क्रांति जो है, टेलीकॉम क्रांति, पहले टेलीफोन आप लोग देखते थे कैसे मिलते थे, टेलीफोन उठा के नंबर डायल करना पड़ता था, ये राजीव गांधी जी की एक सोच थी,
कंप्यूटराइजेशन ऑफिसेज के अंदर कंप्यूटरीकरण, ये भी एक राजीव गांधी जी की उस टाइम की बहुत बड़ी सोच थी। वो बाहर से पढ़े हुए थे, एजुकेशन उनकी बाहर से थी, तो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, दूरदर्शी नेता थे। और उसके बाद ये जो पंचायती राज एक्ट है, ये तो शत प्रतिशत जो है राजीव गांधी जी की देन है, क्योंकि उस समय में हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम टीवी में भी देखा करते थे कि वो बोलते थे जब मैं दिल्ली से 100 रुपया भेजता हूँ तो जब वो गांव तक पहुँचता है तो मात्र 1 रुपया रह जाता है, मात्र 1 रुपया। तो ये जो पंचायती राज एक्ट है जिसके अंदर आपके प्रधान हो गए, आपके BDC मेंबर हो गए, आपके ज़िला परिषद मेंबर हो गए, ये 3-tier सिस्टम जो है ये राजीव गांधी जी की देन है, क्योंकि वो चाहते थे कि जो पंचायत का जो प्रधान है वो मौके का नुमाइंदा है वहाँ का, उसको पता है कि किस चीज़ की ज़रूरत कहाँ है। इवन अगर MLA भी पैसे खर्चता है तो MLA भी इलाके के अंदर इतना ज़्यादा नहीं जाता जितना कि प्रधान वहाँ जाता है, ये तो एक सच्चाई है। राजीव गांधी जी इस चीज़ को जानते थे, ये बात होती थी वहाँ। जब ये सिस्टम बना तो ये सारी जो है डिस्कशंस वहाँ हुई। तो ये जो ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो पंचायती राज एक्ट है जिसकी वजह से आज गांव में खुशहाली आई है, आपके जितने प्रधान लोग हैं चाहे वो BJP के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, आज अगर आपको ये हक मिला है ये राजीव गांधी जी की देन है। ये पहुँचाना हमको बहुत ज़रूरी है गांव-गांव तक। और गांधी परिवार की अगर बातें करना शुरू करूं तो सवेरे से लेके शाम हो जाएगी। मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या बात है कि हिंदुस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं लेकिन टारगेट सिर्फ गांधी परिवार को किया जाता है, सिर्फ एक आदमी को, राहुल गांधी को या सोनिया गांधी को? क्योंकि जो हमारे ऑपोजिशन वाले हैं वो ये चीज़ भली भांति जानते हैं कि जब तक ये परिवार जीवित है और कांग्रेस को लीड करता है तो किसी भी टाइम जो है कांग्रेस कमबैक कर सकती है। ये चीज़ उनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो ये चीज़ जानता है। भाइयों ज़्यादा क्या बोलना, हमारी एक सोच है और भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है। हमारे व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, हमारे वैचारिक मतभेद हैं, हमारे वैचारिक मतभेद हैं। और ये ज़रूरी है कि जो हमारे कांग्रेस जन हैं, सच्ची श्रद्धांजलि आज राजीव गांधी जी को यही होगी कि हम सब इकट्ठे मिलके चले। आपस में हम लोगों के बीच में किसी की किसी के साथ नहीं बनती है, लेकिन आपने एक लक्ष्य देखना है, बड़ा लक्ष्य। आपस की लड़ाइयाँ तो चली रहेंगी, आपस की लड़ाइयाँ तो कभी ख़त्म नहीं होंगी, किसी की किसी के साथ नहीं बनती, लेकिन आप लोग एक चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी कांग्रेस की सरकार हिमाचल के अंदर थी तो हर आदमी को डायरेक्ट ऑफिस में जाके इज्जत मिलती थी, डर नहीं था, डर का कोई माहौल नहीं था। इसलिए जो पार्टी है वो सबसे बड़ी है, व्यक्ति से बड़ी है। आपने ये सोच के चलना है, इन चीज़ों में नहीं चलना है कि ये उसका है आदमी, ये उसका आदमी है, मेरी इससे नहीं बनती, मेरा इसने काम नहीं किया, ऐसे नहीं किया। जहाँ तक पार्टी की बात आती है, पार्टी के लिए आप काम करो, बाकी जो आपके आपस के मसले हैं वो तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, ये तो सदाबहार चलते रहेंगे। तो आज सच्ची श्रद्धांजलि राजीव गांधी जी को यही होगी, कम से कम इस चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी में या चंबा डिस्ट्रिक्ट में, कि हम आपस में लड़ाई ना करें, अपने छोटे मोटे जो झगड़े हैं वो दूर रखें और इकट्ठे मिलके चलें। हम ठीक राह पर चल रहे हैं। आपने अभी उदाहरण अभी देख ही लिया है कर्नाटका का, कांग्रेस जैसे सोई हुई थी पीछे, 2-3 जो स्टेट्स हमारे हाथ से गई, लेकिन इस बार आपने एक चीज़ देखी, कितना बढ़िया समन्वय था, कितना बढ़िया। ये जीत अकेले राहुल गांधी की जीत नहीं थी, ये जीत थी जो कांग्रेस की जो टीम थी, चाहे वो हमारे बुजुर्ग लीडर्स थे, गुलाम नबी आज़ाद थे, हमारे राजस्थान के गहलोत जी थे, और जितने भी लोग थे, अहमद पटेल थे, और अपने सिंधिया जी थे, सब लोगों ने, जो जूनियर लीडर्स थे उन्होंने जूनियर लीडर्स का काम किया, जो हमारे लॉयर्स थे उन्होंने लॉयर्स की तरह लड़ाई ली, सब इकट्ठे होके लड़े। और देखो उसका परिणाम आपके सामने है कि पूरी हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट थी वो सरकार को रोकने के लिए लगी, लेकिन सरकार बनी।
इसका इससे इससे क्या हमें सीख मिलती है? इससे सबसे पहले ये सीख मिलती है कि अगर हम लोग इकट्ठे हो जाएं, और एक और बात है, जब राजनीति में किसी का कटाक्ष भी करना है, क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हमारे व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, हमारे वैचारिक मतभेद हैं। हमेशा जब बात करनी अपने ऑपोजिशन वाले के साथ भी करनी, शालीनता से करनी और बात करनी टू द पॉइंट, क्योंकि व्यक्तिगत बात नहीं करनी किसी के ऊपर। मोदी जी बीच बीच में व्यक्तिगत बातें करने लगते हैं, मैं सोचता हूँ वो बात अच्छी नहीं होती है। जब कोई एक आदमी व्यक्तिगत बात करता है तो फिर दूसरा भी मजबूर हो जाता है उसका कटाक्ष करने के लिए। खैर, हम तो बहुत छोटे लेवल पे हैं, लेकिन एक सीख जो है कर्नाटका से ये ली है कि अगर हम संगठित हो जाएं और आपस के जो छोटे मोटे मतभेद हैं वो दूर कर दें, तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि आने वाली 2019 की लोकसभा इलेक्शन में, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि आप हर चीज़ देखो, महंगाई देखो, लेकिन मुद्दे तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो आपस की लड़ाई है वो काम थोड़ा ख़राब करती है। तो संगठित हो जाओ, यही सच्ची श्रद्धांजलि है राजीव गांधी जी के लिए। और जो राजीव गांधी जी ने एक सपना देखा था भारत का, जो उनकी जो मृत्यु हो गई, असमयिक मृत्यु जो हुई, जो उनकी एक सोच थी, अगर आज हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, जो जो उनका सपना था, हम सारे कांग्रेसजन इकट्ठे मिलके उस सपने को साकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, यहाँ विराम लूँगा। जय हिंद, जय भारत। आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। राजीव गांधी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने के बाद इनकी जो सोच थी बहुत दूरगामी सोच थी। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे जापान गए तो इन्होंने जापान को बढ़ते हुए देखा, ये जर्मनी गए तो जर्मनी को बढ़ते हुए देखा, अमेरिका गए तो अमेरिका को बढ़ते हुए देखा कि कैसे ये लोग जो है आगे तरक्की कर रहे हैं। हमारा हिंदुस्तान जो पीछे क्यों है, टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में, मोबाइल में, आईटी में, ये सारे सेक्टर इन्होंने अडॉप्ट किए और इनका जो सपना था वो हिंदुस्तान में करना चाहते थे। तो ये जब वापस हिंदुस्तान आते थे तो जो भी वहाँ दे के आते थे वो हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते थे। ये सबसे बड़ा इनका सपना था और इनका जो सपना है वो आज हिंदुस्तान में साकार हो रहा है। आज एक गांव में, पहाड़ में हो, चाहे दूर दराज के क्षेत्रों में हो, एक लेडी गोबर लेकर के भी खेत को जा रही है तो मोबाइल पे बात कर रही है, वो राजीव गांधी की देन है। घर घर में कंप्यूटर लगे हैं, सारे ऑफिस में कंप्यूटर की देन है, वो राजीव गांधी की देन है। मगर कुछ दृंदगी हमारे हिंदुस्तान में कुछ 1984 में ऐसी आई कि जिन्होंने स्वर्गीय श्री प्रधानमंत्री श्री अपनी इंदिरा गांधी जी को अपने ही लोगों ने छननी कर दिया, मौत के घाट उतार दिया, तो देश में इमरजेंसी की हालत बन गई, चलती चलती गाड़ियां रुक गई, ट्रेनें रुक गई, हवाई जहाज रुक गए, सन्नाटा सा छा गया। सबकी सोच ये थी कि अब देश का क्या होगा, देश कैसे चलेगा, कैसे आगे देश को लेके जाएंगे। तब हमारे उसी परिवार के श्री राजीव गांधी जी ने राजनीति में कदम रखा और 5-7 सालों में इन्होंने राजनीति हमारे हिंदुस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो मैं सच्ची श्रद्धांजलि हमारी कांग्रेस कार्यकर्ता की, युवा कांग्रेस की या महिला कांग्रेस की यही होगी कि इनके जो बताए हुए नक्शे कदम हैं उनके ऊपर अमल करें और जो कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं उनको अपनाएं। आज आदमी आदमी से जल रहा है, औरत औरत से जल रही है, इस बात को हमें भूलना होगा, छोड़ना होगा। मैं
अभी हाल ही में पिछले कल की बात है, एक आदमी मिला मेरे को, बोलता है जी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर हैं, वो बोल रहे हैं कि 4 साल के बाद आपके खाते में 5 लाख रुपया आना है। तो 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 3 बीत गए, 4 भी बीत गए, अब 5 माह आएगा तो 5 पे का इंतजार कर रखना है। 2019 का केंद्र बिंदु रखना है कि उसकी स्ट्रेटेजी बनानी है। कल परसों हमारा फिर प्रोग्राम है, इकट्ठे होंगे, एकत्रित होंगे। और आज की इस सभा को इसके इख्तिताम तक पहुंचाने के लिए अब सबसे इल्तिजा करूंगा कि जो बाहर ये हैं वो सब अंदर आ जाएं। बोलियो बोलियो, सबसे इल्तिजा करूंगा कि आज की इस कड़ी को समेटते हुए अपना जो है वो श्रद्धांजलि सुमन जो है वो अर्पित करें। कांग्रेस पार्टी के नेतागण, नौजवान, हमारी बहन आज उपस्थित हुए हैं सारे राजीव गांधी जी की जयंती पर, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं समझता हूँ इस दिन ज़्यादा कोई भाषणबाजी की कोई देने की जरूरत नहीं, परंतु हमें सिर्फ राजीव गांधी जी जो हमारे एक वरिष्ठ नेता रहे, इस भारतवर्ष के नेता रहे, इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र हैं रहे, और जिन्होंने हमारे देश को एक नई दिशा दी, चाहे वो आईटी सेक्टर था, पंचायती राज था, महिला के सशक्तिकरण के बारे में था, हम चाहेंगे कि उनके बताए हुए रास्ते को हम अपनाएं। और आज एक अच्छी हाजिरी हो रही है कांग्रेस के यूथ जनों की, ये एक बहुत खुशी की खबर है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में सरकार लगती नहीं है, तो सरकार है ही नहीं ऐसा लग रहा है कि नान से कोई काम होने हैं। हाँ, परंतु इनके जो कार्यकर्ता है, जैसे अभी बता रहे थे कि भैया 5-15 लाख रुपये आने वाले हैं, लास्ट में आने वाले हैं, पहले 5 साल आपको भूखा रखा और इकट्ठे आपको 15 लाख खाने को मिल जाएंगे, सारी इनकी स्ट्रेटजी होती है। कल हम धर्मशाला में थे, वहाँ पे हमें ये बताया गया कि सबसे बड़े जो झूठ के नेता हैं, उनके झूठ बोलने में बहुत माहिर है, वो कोई ना कोई स्ट्रेटजी फिर चलेंगे। अब देख रहे हो कि इलेक्शन का समय आया तो शांता कुमार जी ने फिर उससे किरदार वाला मुद्दा उछाल दिया, है जी, और हेली टैक्सी का मुद्दा उछाल दिया। बीच में इन्होंने कह दिया कि शायद मैं इलेक्शन ना लड़ूँ, परंतु इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। और हमको कन्फ्यूज कर रहे हैं, इनको कन्फ्यूज करो कांग्रेस को, तो हमने कन्फ्यूज नहीं होना है, इनको कन्फ्यूज करना है उल्टा। अब सारे हम मिलेंगे तो हम जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। दो जो पीछे हुआ मैं समझता हूँ भूल जाना चाहिए। और कुछ जो कार्य इनका जो है मोदी जी का, कहते हैं 4 साल में हुआ, 60 साल में नहीं हुआ, तो मोदी जी को शायद पता नहीं हो, मोदी जी के अभी 66-67 साल का हुआ है, तो जब वो 67-68 साल के हो रहे हैं कि 66 साल के या पता नहीं, तो भारतवर्ष उस टाइम एक परमाणु शक्ति बन चुका था जब वो पैदा नहीं होते, इतने भाखड़ा दंगल जैसे बिजली घर बन चुके थे। और हमारा जो हिंदुस्तान है एक विश्व में एक शक्ति के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ये बन चुकी थी, परंतु इनका झूठ का प्रचार है ना, मोदी जी झूठ के बड़े माहिर हैं। आजकल देखा कर्नाटक में हार गए तो वो कहीं छुपने के लिए कभी कश्मीर जा रहा है, कभी रशिया जा रहा है, तो एक मेरे भाई समझ सोची चाल है, इस चाल को हमने इस बार ख़त्म करना है। और बड़े जोर शोर से हमने आने वाला इलेक्शन जो है आदरणीय राजीव गांधी और हमारे सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी और राहुल गांधी जो बताए हुए रास्ते, कांग्रेस को जिंदा करना है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो हिंदुस्तान में भाईचारा रख सके, भाईचारा कांग्रेस पार्टी ही रख सकती है। आप देख रहे हैं आज भी एक आप टीवी में देखा एक मजदूर को, एक दलित मजदूर को पीटा जा रहा, ये तो इन्हीं के राज में होना भाई, और कांग्रेस के राज में नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी, सबको मिलकर चलती है, और हम सभी मिलकर एक दफा फिर कांग्रेस का झंडा ऊंचा उठाएंगे और राजीव गांधी को श्रद्धा
फोन देते हैं, आपके सबका धन्यवाद। यहीं पर हम खत्म करेंगे, इससे पहले के करके पुकारेंगे, जैसे कोई भी हो, जैसे ये हमारी हेमा जी आई है तो इनको भी करेंगे। आज का यही एक मूल मंत्र हमने यहाँ से लेना। इससे पहले दो सब यूँ कहना चाहूँगा कि जो दीप जलाए थे तूने, जो दीप जलाए थे तूने ऐ राजीव, आज भी हम जगाते हैं। आंखों में आते हैं आंसू और उसी तरह बह जाते हैं। दिन पहले बनते मास फिर वर्ष बन जाते हैं, पर तुझे ऐ प्रिय और करीब हम अपने पाते हैं। जो बाग तूने लगाया था वो हरा भरा उजियारा है, जो बाग तूने लगाया था वो हरा भरा उजियारा है। साकार तुम्हारे सपने हों ऐ राजीव, मिलजुल कर यही प्रयास हमारा है। जय हिंद, राजीव गांधी अमर रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिनी सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।